केतार से इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। केतार प्रखंड के केतरी में स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में गुरुवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वीडियो मुकेश मछुआ, विप्रस अध्यक्ष राम विचार साहू, सचिव कामेश्वर सिंह, प्रधानाचार्य मनोज कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से माँ सरस्वती एवं भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान वार्षिक परीक्षा परिणाम का वितरण वीडियो मुकेश मछुआ ने विद्यालय के भैया बहनों के अंक पत्र देकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वितरण कार्यक्रम में शामिल वीडियो मुकेश मछुआ ने विद्यालय के भैया बहनों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सुदूरवर्ती इलाकों में इस विद्यालय के बच्चे संस्कारी हैं, जो अपने आप में काफी महत्व रखता है। आज परीक्षा परिणाम में आप उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन आपको इससे बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा, तभी आप अपना लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जो बच्चे कम अंक लाए हैं, उन्हें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उन्हें इस बार अपने शिक्षकों के द्वारा तथा खुद से लगातार तैयारी करनी होगी। उक्त वीडियो ने अपनी बचपन की पढ़ाई का जिक्र करते हुए बच्चों को प्रेरित किया कि आप भी अच्छे से पढ़ाई करें तो आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। विप्रस अध्यक्ष राम विचार साहू ने विद्यालय के उत्तीर्ण भैया बहनों के बीच कॉपी कलम देकर सम्मानित किया, ताकि बच्चों को उत्साह वर्धन हो सके। इस मौके पर प्रधानाचार्य मनोज कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार, कोषाध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, आचार्य दीनानाथ चौधरी, योगेंद्र विश्वकर्मा, धनी विश्वकर्मा, छात्र रोहित कुमार, संकल्प कुमार, प्रणव कुमार, किंजल कुमारी, कांति कुमारी, दिव्या कुमारी, डॉली कुमारी सहित अन्य बच्चे उपस्थित। अपने प्रखंड क्षेत्र से रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8002820182।